गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी छात्राओं का स्वागत है। बच्चों, आज मैं कक्षा 10 की हिंदी कक्षा में आप सभी को मित्रता पाठ के अगले गद्यांश की व्याख्या बताऊंगी। गद्यांश इस प्रकार से है, सहपाठी की मित्रता इस उक्ति में हृदय के कितने भारी उथल पुथल का भाव भरा हुआ है, किंतु जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से दृढ़, शांत और गंभीर होती है, उसी प्रकार हमारी युवावस्था के मित्र बाल्यावस्था के मित्रों से कई बातों से भिन्न होते हैं। इस गद्यांश में लेखक ने यह बताया है कि सहपाठी की मित्रता हृदय में एक अनूठे भाव को भर देती है। सहपाठियों की मित्रता में जिस उमंग एवं आनंद की अनुभूति होती है, वह अन्य किसी के साथ मित्रता करके संभव नहीं है। उनके और हमारे बीच जो मधुर संबंधों के फलस्वरूप हमारा वर्तमान जीवन आनंदमय हो जाता है तथा भविष्य के संबंध में अनेक कल्पनाएं हैं उदित होने लगती हैं। ऐसा होने पर बाल्यावस्था की मित्रता सच्ची मित्रता हो यह आवश्यक नहीं है। इसका कारण यह है कि मित्रता में परिपक्वता आयु के अनुसार आती है। यह परिपक्वता मित्रता का ही परिणाम होता है। युवावस्था की मित्रता बाल्यावस्था की मित्रता से अधिक स्थायी होती है। युवावस्था के मित्र बाल्यावस्था के मित्रों के समान कुछ समय के लिए गुस्सा हो जाने वाले तथा गंभीर अवसरों पर भी चंचल प्रकृति को प्रदर्शित करने वाले नहीं होते हैं। वे शांत और गंभीर प्रकृति के होते हैं। आगे का गद्यांश है, मैं समझता हूँ कि मित्र चाहते हुए भी बहुत से लोग मित्र के आदर्श की कल्पना मन में करते होंगे, पर इस कल्पित आदर्श से तो हमारा काम जीवन की झंझटों में चलता नहीं है। व्याख्या इस प्रकार है, लेखक ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति एक आदर्श मित्र की कल्पना करता है, परंतु हमारा यह कल्पित आदर्श व्यवहार की दृष्टि से सर्वथा निरर्थक है। व्यवहारिक जीवन की कठिनाइयों अथवा संकटपूर्ण परिस्थितियों में जो सहायक सिद्ध हो, वही सच्चा मित्र कहलाने का अधिकारी होता है। अतः मित्र का चुनाव करते समय हमें अपनी आदर्श कल्पना को महत्व देने के स्थान पर व्यवहारिक बुद्धि से काम लेना चाहिए। धन्यवाद।